ओम शांति आज चौदह फरवरी 2024 और आज भारत में विशेष वसंत पंचमी के रूप में सभी मां सरस्वती की आराधना करते हैं मां सरस्वती का जन्मदिन बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है और सभी बड़ी भावना के साथ मां सरस्वती के पास जाकर के विद्या का आवहन करते हैं स्वयं में ज्ञान की वृद्धि हो उसके लिए अपने बौद्धिक प्रभाव को बढ़ाने का वरदान मांगते हैं और आध्यात्मिक प्रज्ञा को स्वयं में विकसित करने के लिए विशेष तपस्या करते हैं दूसरी और कहा जाता है कि श्री राम जब वनवास में थे तो मां सीता की खोज में जब वो मां शबरी के द्वार तक पहुंचे तो कहा जाता कि मां शबरी ने कितने समय से झूठे बैर इकट्ठे किए थे कि मेरे राम आएंगे उनको खिलाऊंगी और वसंत पंचमी के दिन ही श्री राम मां शबरी से मिले और उनके जूठे बैर को स्वीकार किया बड़ी श्रद्धा और भावना के साथ तो एक और प्रीत की रीत निभाई तो प्रीत का दिन भी है और ज्ञान का दिन भी है ज्ञान और प्रीत दोनों का आपस में बहुत गहरा संबंध भी है क्योंकि परमात्मा के साथ का प्यार तभी हो सकता जब यथार्थ पहचान हो ऋतु परिवर्तन का समय है शीतकाल समाप्त होकर चारों ओर वसंत ऋतु का आरंभ का दिन इसीलिए नई ऊर्जा नई शक्ति नए विचारों के साथ नई दिशाओं को खोजने का यह दिन माना जाता है जो शीत लहर है वो समाप्त होकर के चारों ओर नई पत्तियां नए फूल खिलने लगते हैं अर्थात मनुष्य का मन भी हर्षोल्लास के साथ भर जाता है ये ऋतु को कहा ही जाता है ऋतुपति है सभी ऋतुओं में श्रेष्ठ ऋतु मानी गई है और इसीलिए इस दिन पर विशेष लोग एक दूसरे से बड़ी खुशी के साथ मिलते हैं दूसरी ओर ये भी देखा गया है कि ये ऋतु बहुत छोटी है वसंत पंचमी से आरंभ होती है और होली के रंगों के साथ ही समाप्त भी हो जाती है तो इसीलिए ये थोड़े समय में चारों ओर जैसे एक नई ऊर्जा फैली हुई हो ऐसा हर कोई अपने में आनंद उल्लास का अनुभव करते हैं तो ऐसी वसंत पंचमी सबको बहुत बहुत मुबारक हो बधाई हो बधाई हो और वैलेंटाइंस डे अर्थात प्रेम का दिवस तो प्रेम के दिवस की भी बहुत बहुत मुबारक हो सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य ओम शांति मीठे बच्चे अंतर्मुखी हो अपने कल्याण का ख्याल करो घूमने फिरने जाते हो तो एकांत में विचार सागर मंथन करो अपने से पूछो हम सदा हर्षित रहते हैं आज की मुरली से प्रश्न है रहम दिल बाप के बच्चों को अपने पर कौन सा रहम करना चाहिए उत्तर है जैसे बाप को रहम पड़ता है कि मेरे बच्चे कांटों से फूल बने बाप बच्चों को गुलगुल -गुल बनाने की कितनी मेहनत करते हैं तो बच्चों को भी अपने ऊपर तरस आना चाहिए कि हम बाबा को बुलाते हैं पति पावन आओ फूल बनाओ अब वह आए हैं तो क्या हम फूल नहीं बनेंगे रहम पड़े स्वयं पर रहम पड़े तो देही अभिमानी रहे बाप जो सुनाते हैं उसको धारण करे ओम शांति यह तो बच्चे समझते हैं यह बाप भी है टीचर भी है सतगुरु भी है तो बाप बच्चों से पूछते हैं कि तुम यहां जब आते हो तो इन लक्ष्मी नारायण के और सीढ़ी के चित्र को देखते हो जब दोनों को देखा जाता है तो एम ऑब्जेक्ट और सारा चक्र बुद्धि में आ जाता है लक्ष्मी नारायण का चित्र और सीढ़ी के चित्र को देखते ही एम ऑब्जेक्ट और सारा चक्र बुद्धि में आ जाता है कि हम देवता बनकर फिर ऐसे सीढ़ी उतरते आए हैं यह ज्ञान तुम बच्चों को ही मिलता है तुम हो स्टूडेंट एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ा है कोई भी आए तो उनको समझाओ एम ऑब्जेक्ट है इस पढ़ाई से यह देवी देवता जाकर बनते हैं फिर चौरासी जन्म की सीढ़ी उतरते हैं फिर रिपीट करना है बहुत इजी नॉलेज है फिर भी पढ़ते पढ़ते नापास क्यों हो पढ़ते हैं इतना सहज ज्ञान फिर नापास क्यों हो पड़ते हैं उस जिस्मानी पढ़ाई से भी यह ईश्वरीय पढ़ाई बिल्कुल सहज है एम ऑब्जेक्ट और चौरासी जन्मों का चक्र बिल्कुल सामने खड़ा है यह दोनों चित्र विजिटिंग रूम में भी होने चाहिए बाबा को इतना होना रहता है कि दोनों चित्र विजिटिंग रूम में भी होने चाहिए सर्विस करने के लिए सर्विस का हथियार भी चाहिए सारा ज्ञान इसमें ही है ये पुरुषार्थ भी हम अभी करते हैं सतो प्रधान बनने के लिए बहुत मेहनत करनी है क्या मेहनत करेंगे तो बाबा कहे इसमें अंतर्मुखी हो विचार सागर मंथन करना है घूमने फिरने जाते हैं तो भी बुद्धि में यही होना चाहिए ज्ञान अंदर में सिमिरण होना चाहिए यह तो बाबा जानते हैं कि नंबर वार है कोई अच्छी तरह समझते हैं तो जरूर पुरुषार्थ करते होंगे अपने कल्याण के लिए हर एक स्टूडेंट समझते हैं यह अच्छा पढ़ते हैं खुद नहीं पढ़ते हैं तो अपने को ही घाटा डालते हैं अपने को तो कुछ लायक बनाना चाहिए तुम भी स्टूडेंट हो सो भी बेहद बाप के ये ब्रह्मा भी पढ़ते हैं ये लक्ष्मी नारायण है मर्तबा और सीढ़ी है चौरासी जन्मों के चक्र की ये पहले नंबर का जन्म सीढ़ी के अंदर पहले नंबर का जन्म है लक्ष्मी नारायण का ये लास्ट नंबर का जन्म लास्ट नंबर का, का जन्म है प्रजापिता ब्रह्मा और मां सरस्वती तुम देवता बनते हो अंदर आने से ही सामने एम ऑब्जेक्ट और सीढ़ी पर समझाओ रोज आकर के इनके सामने बैठो तो स्मृति आए रोज आकर के बाबा कहे इनके सामने बैठो तो स्मृति आए तुम्हारी बुद्धि में है कि बेहद का बाप हमको समझा रहे हैं सारे चक्र का ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में भरपूर है तो कितना हर्षित रहना चाहिए अपने से पूछना चाहिए कि हमारी वह अवस्था क्यों नहीं रहती क्या कारण है जो हर्षित रहने में रोला पड़ता है जो चित्र बनाते हैं उन्हों की बुद्धि में भी होगा कि यह हमारा भविष्य पद है यह हमारी एम ऑब्जेक्ट है और यह चौरासी का चक्र है बाबा कहे बुद्धि में जरूर होगा हमारा भविष्य पद हमारा एम ऑब्जेक्ट और चौरासी का चक्र गायन भी है सहज राजयोग सो तो बाबा रोज समझाते रहते हैं कि तुम बेहद बाप के बच्चे हो तो स्वर्ग का वर्षा जरूर लेना चाहिए और सारे चक्र का भी राज समझाया है तो जरूर वह याद करना पड़े और फिर बातचीत करने के मैनर्स भी अच्छे चाहिए यह भी बाबा हम बच्चों को सिखाते कि बातचीत करने के मैनर्स भी अच्छे चाहिए चलन बहुत अच्छी चाहिए चलते फिरते काम काज करते बुद्धि में सिर्फ यही रहे कि हम बाप के पास पढ़ने के लिए आए हैं ये ज्ञान ही तुमको साथ ले जाना है पढ़ाई तो सहज है परंतु अगर पूरी रीति नहीं पढ़ेंगे तो टीचर को जरूर यह ख्याल रहेगा कि अगर क्लास में बहुत डल बच्चे होंगे तो हमारा नाम बदनाम होगा इजाफा नहीं मिलेगा गवर्नमेंट कुछ नहीं देंगे बाबा कहे गवर्नमेंट कुछ नहीं देंगे यह भी स्कूल है ना इसमें इजाफा आदि की बात नहीं फिर भी पुरुषार्थ तो कराया जाता है ना चलन को सुधारो दैवी गुण धारण करो कैरेक्टर अच्छे चाहिए हम्म कितनी अच्छी बात बताई बाबा ने पुरुषार्थ क्या करना है चलन को सुधारो दैवी गुण धारण करो कैरेक्टर अच्छे चाहिए बाप तो तुम्हारे कल्याण के लिए आए हैं, परंतु बाप की श्रीमत पर चल नहीं सकते श्रीमत कहे यहाँ जाओ तो जाएंगे नहीं कहेंगे यहां गर्मी है यहाँ ठंडी है बाप को पहचानते नहीं कि कौन हमको कहते हैं ये कौन आज्ञा दे रहे हैं ये साधारण रथ ही बुद्धि में आता है वह बाप बुद्धि में आता ही नहीं है बड़े राजाओं का कितना सबको डर रहता है बड़ी अथॉरिटी होती है यहां तो बाप कहते हैं मैं गरीब निवास हूं मुझ रचता और रचना के आदि मध्यंत को कोई नहीं जानते हैं कितने ढेर मनुष्य है कैसी कैसी बातें करते हैं क्या क्या बोलते हैं भगवान क्या चीज होती है यह भी जानते नहीं वंडर है ना बाप कहते हैं मैं साधारण तन में आकर अपना और रचना के आदि मध्य अंत का परिचय देता हूं चौरासी की सीढ़ी कितनी क्लियर है बाप कहते मैंने तुमको यह बनाया था अब फिर बना रहा हूं तुम पारस बुद्धि थे फिर तुमको पत्थर बुद्धि किसने बनाया आधा कल रावण राज्य में तुम गिरते ही आते हो अब तुमको तमो प्रधान से सतो प्रधान जरूर बनना है विवेक भी कहता है बाप है ही सत्य वह जरूर सत्य ही बताएंगे ये ब्रह्मा भी पढ़ते हैं तुम भी पढ़ते हो ये कहते हैं मैं भी स्टूडेंट हूं पढ़ाई पर अटेंशन देता हूं एक्यूरेट कर्मातीत अवस्था तो अभी बनी नहीं है ऐसा कौन होगा जो इतना ऊंच पद पाने के लिए पढ़ाई पर ध्यान नहीं देगा सब कहेंगे ऐसा पद तो जरूर पाना चाहिए बाप के हम बच्चे हैं तो जरूर मालिक होने चाहिए बाकी पढ़ाई में उतराई चढ़ाई तो होती ही है अब तुमको एकदम ज्ञान का तंत्र यानी ज्ञान का सार मिला है शुरू में तो पुराना ही ज्ञान था धीरे धीरे तुम समझते ही आए हो अभी समझते हैं ज्ञान तो सचमुच अभी हमको मिलता है बाप भी कहते हैं आज मैं तुमको गुहे गुहे बातें सुनाता हूं फट से तो कोई जीवन मुक्ति पा नहीं सकता सारा ज्ञान उठा नहीं सकता पहले ये सीढ़ी का चित्र थोड़ी था बाबा कहे पहले यह सीढ़ी का चित्र थोड़ी था अब समझते हैं बरोबर हम ऐसे चक्कर लगाते हैं हम ही स्वदर्शन चक्रधारी है बाबा ने हम आत्माओं को सारे चक्र का राज समझा दिया है बाप कहते हैं तुम्हारा धर्म बहुत सुख देने वाला है बाप ही आकर तुमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं औरों के सुख का टाइम तो अभी आया है जबकि मौत सामने खड़ा है एरोप्लेन बिजलियां आदि पहले नहीं थी उन्हों के लिए तो अभी जैसे स्वर्ग है एरोप्लेन बिजली आदि है तो जैसे स्वर्ग है कितने बड़े बड़े महल बनाते हैं समझते हैं अभी तो हमको बहुत सुख है लंदन में कितना जल्दी पहुंच जाते हैं बस यही स्वर्ग समझते हैं अब उन्हों को जब कोई समझाए कि स्वर्ग तो सत्युग को कहा जाता है कलयुग को थोड़ी स्वर्ग कहेंगे नरक में शरीर छोड़ा तो जरूर पुनर्जन्म भी नरक में ही लेंगे आगे तुम भी ये बातें नहीं समझते थे अब समझते हो रावण राज्य आता है तो हम गिरने लग जाते हैं सब विकार आ जाते हैं अभी तुमको सारा ज्ञान मिला है तो चलन आदि भी बहुत रॉयल होनी चाहिए अभी तुम सत्युग से भी जास्ती वैल्युबल हो संगमयुग पर हीरे तुल्य जीवन और सत्युग में तो स्वर्ण तुल्य जीवन तो बाप कहे तुम सत्युग से भी जास्ती वैल्युबल हो बाप जो ज्ञान का सागर है वह सारा ज्ञान अभी देते हैं और कोई भी मनुष्य ज्ञान और भक्ति को समझ न सके मिक्स कर दिया है समझते हैं शास्त्र पढ़ना ये ज्ञान है और पूजा करना भक्ति है तो अब बाप गुलगुल -गुल बनाने के लिए कितनी मेहनत करते हैं बच्चों को भी तरस आना चाहिए कि हम बाबा को बुलाते हैं पतितों को आकर पावन बनाओ फूल बनाओ अब बाप आए हैं तो अपने पर भी रहम करना चाहिए किस तरह का रहम करना चाहिए क्या हम ऐसे फूल नहीं बन सकते अब तक हम बाबा के दिल तक पर क्यों नहीं चढ़े हैं अटेंशन नहीं देते स्वयं के पुरुषार्थ पर बाबा कहे अटेंशन नहीं देते बाप कितना रहम दिल है बाप को बुलाते ही है पति दुनिया में आकर पावन बनाओ तो जैसे बाप को रहम पड़ता है ऐसे बच्चों को भी रहम पढ़ना चाहिए नहीं तो सतगुरु के निंदक ठोर ना पाए यह तो किसको स्वप्न में भी नहीं होगा कि सतगुरु कौन लोग गुरुओं के लिए समझ लेते हैं कहा श्राप न दे देवे अकृपा न हो जाए बच्चा पैदा हुआ समझेंगे गुरु की कृपा हुई यह है अल्पकाल के लिए सुख की बात बाबा कहे यह है अल्पकाल के सुख की बात बाप कहते बच्चे अपने पर रहम करो देही अभिमानी बनो तो धारणा भी होगी सब कुछ आत्मा ही करती है मैं भी आत्मा को पढ़ाता हूं अपने को आत्मा पक्का समझो और बाप को याद करो बाप को याद ही नहीं करेंगे तो विकर्म विनाश कैसे होंगे भक्ति मार्ग में भी याद करते हैं क्या याद करते हैं हे भगवान रहम करो बाप लेबरेटर भी है तो गाइड भी है यह भी उनकी गुप्त महिमा है बाप आकर सब बतलाते हैं कि भक्ति मार्ग में तुम याद करते हो मैं आऊंगा तो जरूर अपने समय पर बाबा कहे मैं आऊंगा जरूर लेकिन अपने समय पर ऐसे जब चाहूं तब आऊ ये नहीं ड्रामा में जब नूंद है तब आता हूं बाकी ऐसे ख्यालात भी कभी नहीं आते हैं तुमको पढ़ाने वाला वह वा बाप है यह भी उनसे पढ़ते हैं वह तो कभी भी कोई खता यानी भूल नहीं करते बाबा तो कभी भी कोई भूल नहीं करते इसको रंज नहीं करते यानी दुख नहीं देते हैं बाकी सब नंबर वार टीचर है वह सच्चा बाप तुमको सत्य ही सिखलाते हैं सच्चे के बच्चे भी सच्चे झूठे के बच्चे बनने से क्या हो जाते हैं आधा कल्प झूठे बन पड़ते हैं सच्चे बाप को ही भूल जाते हैं पहले पहले तो समझाओ कि ये सत्युगी नई दुनिया है या पुरानी दुनिया है तो मनुष्य समझे ये प्रश्न बहुत अच्छा पूछते हैं इस समय सभी में पांच विकार प्रवेश है वहां पांच विकार होते नहीं यह है तो बहुत सहज बात समझने की परंतु जो खुद ही नहीं समझते तो वह प्रदर्शनी में क्या समझाएंगे सर्विस के बदले डिस सर्विस करके आएंगे बाहर में जाकर सर्विस करना मासिक का घर नहीं है बड़ी समझ चाहिए बाबा हरेक के चलन से समझ जाते हैं बाप तो बाप है फिर तो बाप भी कहेंगे यही ड्रामा में था कोई भी आता है तो ब्रह्मा कुमारी का समझाना ठीक है नाम भी ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय है नाम बाला भी ब्रह्मा कुमारियों का होना है इस समय सब पांच विकारों में हिरे हुए हैं उन्हों को जाकर समझाना कितना मुश्किल होता है कुछ भी समझते नहीं है सिर्फ इतना कहेंगे ज्ञान तो अच्छा है कुछ समझते नहीं है विघ्न के पीछे विघ्न पड़ता रहता है फिर युक्तियां भी रचनी पड़ती है पुलिस का पहरा रखो चित्र इंश्योर करा दो नहीं तो कई लोग जैसे जला देते हैं प्रदर्शनी आदि में न कुछ ना कुछ नुकसान करते हैं तो बाबा कहे ये यज्ञ है इसमें विघ्न जरूर पढ़ेंगे सारी पुरानी दुनिया इसमें स्वाहा होनी है नहीं तो यज्ञ नाम क्यों पढ़े यज्ञ में स्वाहा होना है इसका रुद्र ज्ञान यज्ञ नाम पड़ा है ज्ञान को पढ़ाई भी कहा जाता है यह पाठशाला भी है तो यज्ञ भी है तुम पाठशाला में पढ़कर देवता बनते हो फिर यह सब कुछ इस यज्ञ में स्वाहा हो जाता है समझा वही सकेंगे जो रोज प्रैक्टिस करते रहेंगे अगर प्रैक्टिस नहीं होगी तो वह क्या बात कर सकेंगे दुनिया के मनुष्य के लिए स्वर्ग अभी है अल्पकाल के लिए तुम्हारे लिए स्वर्ग आधा कल्प के लिए होगा यह भी ड्रामा बना हुआ है विचार किया जाता है तो बड़ा वंडर लगता है अब रावण राज्य खत्म हो राम राज्य स्थापन होता है इसमें लड़ाई आदि की कोई भी बात नहीं यह सीढ़ी देख लोग वंडर खाते हैं तो बाप ने क्या क्या समझाया है ये ब्रह्मा भी बाप से ही सीखा है जो समझाते रहते हैं बच्चियां भी समझाती है जो बहुतों का कल्याण करते हैं उन्हों को जरूर जास्ती फल मिलेगा पढ़े हुए के आगे अनपढ़े जरूर भरी ढोएंगे बाप रोज रोज समझाते हैं क्या समझाते हैं अपना कल्याण करो इन चित्रों को सामने रखने से ही नशा चढ़ जाता है इसलिए बाबा ने कमरे में ये चित्र रख दिए हैं एम ऑब्जेक्ट कितनी सहज है इसमें कैरेक्टर्स बहुत अच्छे चाहिए दिल साफ तो मुराद हासिल हो सकती है। दिल साफ साफ तो तो मुराद मुराद हासिल हासिल हो हो सकती सकती है है अच्छा मीठे मीठे सीकिलधे लधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते शुक्रिया बाबा शुक्रिया आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है पहली पॉइंट सदा स्मृति में रखना है कि हम बेहद बाप के स्टूडेंट है भगवान हमें पढ़ाते हैं इसलिए अच्छी तरह पढ़कर बाप का नाम बाला करना है अपनी चलन बड़ी रॉयल रखनी है दूसरी पॉइंट बाप समान रहम दिल बन कांटे से फूल बनना और दूसरों को फूल बनाना है अंतर्मुखी बन अपने व दूसरों के कल्याण का चिंतन करना है आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है हलचल में दिल शिकस्त होने के बजाय बड़ी दिल रखने वाले हिम्मतवान भव। हलचल में दिल शिकस्त होने के बजाय बड़ी दिल रखने वाले हिम्मतवान भव। कभी भी कोई शारीरिक बीमारी हो मन का तूफान हो धन में या प्रवृत्ति में हलचल हो सेवा में हलचल हो उस हलचल में दिल शिकस्त नहीं बनो बड़ी दिल वाले बनो जब हिसाब किताब आ गया दर्द आ गया तो उसे सोच सोच कर दिल शिकस्त बन बढ़ाओ नहीं हिम्मत वाले बनो ऐसे नहीं सोचो हाय क्या करू हिम्मत नहीं हारो हिम्मतवान बनो तो बाप की मदद स्वतः मिलेगी आज का स्लोगन है किसी की कमजोरी को देखने की आंखें बंद कर मन को अंतर्मुखी बनाओ किसी की कमजोरी को देखने की आंखें बंद कर मन को अंतर्मुखी बनाओ अच्छा ओम शान